बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब ने तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बिलआख़र मुअत्तल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन और जो फैमिली वाले थे जो बैरून मुल्क वापस नहीं जा सकते थे, इनकी वापसी के लिए सऊदी हुकूमत ने मज़ीद मोहलत देने का ऐलान किया है। ये खबर कुछ देर पहले उर्दू न्यूज़ में शाया हो चुकी है और सबक वेबसाइट की तरफ से ये खबर आई है। इस खबर की तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन को वापसी के लिए दी गई डेडलाइन में 3 दिन की तोसी कर दी गई है, जबकि दूसरी तरफ कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए की जाने वाली कोशिशों के पेश नज़र सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी का आगाज़ हो चुका है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है, इतवार से 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि सऊदी अरब वापस आने वाले अकामा होल्डर्स को दी जाने वाली मोहलत आज इतवार से ख़त्म हो गई है। इसके साथ तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें मुअत्तल की जा रही हैं। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन को वापस लाने के लिए मज़ीद 3 दिन की मोहलत। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ ने उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि सऊदी अरब ने उमरा ज़ायरीन को वापस लाने के लिए मज़ीद 3 दिन की तोसीद दी है। अब्दुल्ला हफीज़ ने कहा कि PIA ने सऊदी हुकाम से दरख्वास्त की थी कि सऊदी अरब में मौजूद उमरा ज़ायरीन को वापस लाने के लिए मोहलत में इजाफा किया जाए, जिस पर सऊदी हुकूमत ने PIA को 18 मार्च की मोहलत फराहम की है। PIA के तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए PIA की मुख्तलिफ परवाज़ें इतवार को 1800 जबकि पीर के रोज़ 3300 उमरा ज़ायरीन को लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगी। तर्जुमान ने सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों से दरख्वास्त की है कि वो जल्द से जल्द PIA से राबता करें ताकि पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन और दीगर अफराद की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सके और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए मज़ीद परवाज़ें चलानी पड़ें तो इसका भी फ़ैसला कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी वजारत दाखला ने कहा है कि वापस आने की मोहलत ख़त्म हो जाने के बाद जो शहरी और गैर मुल्की परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से नहीं आ सकेंगे, इन्हें दफातर और मुलाजमतों से खसूसी छुट्टी पे तसव्वुर किया जाएगा। वजारत ने वाजिया कर दिया है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली के दौरान खसूसी इस्तिस्नाई हालात में जिन लोगों को वापस आने की इजाज़त होगी, इन्हें मुकर्रा मुद्दत के लिए वजारत सेहत के मराकज़ या अपने घरों में रहना होगा। वजारत ने बताया कि सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ ममालक में फंस जाने वाले अपने शहरियों के इनखला के लिए भी खसूसी परवाज़ें चलाएगी। तो जनाब अली, ये था ऐलान सऊदी वजारत दाखला और PIA के तर्जुमान की तरफ से, और ख़बर ये आ रही है कि PIA के तैयारे अपने मुल्क से खाली वापस आएंगे। ये मोहलत सिर्फ और सिर्फ इन अफराद के लिए है जो सऊदी अरब से वापस जाना चाहते हैं। सऊदी अरब में नया कोई भी बंदा नहीं आ सकेगा। सिर्फ उमरा ज़ायरीन और फैमिली विज़िट वीज़ा वाले या छुट्टी वाले जो वापस आना चाहते हैं तो वो राबता करें PIA से और अपनी टिकट करवा के अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। सऊदी अरब के ताज़ा तरीन हालातों वाक़ियात से आपको यूँ ही इस चैनल से आगाह करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।